गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज इतनी जल्दी हम उठ के कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं हम लोग रोहतांग पास। इसलिए सुबह हमें निकलना था 3 बजे, और हम अभी उड़ के 3:10। कितना टाइम लगेगा भाई? हो गया? हाँ, 3:05। नहीं, कितना टाइम? चल 5:10 बस, ब्रेकफास्ट रेडी है। रेड तो चलो आ जाओ, नहीं जल्दी आओ तो। हाँ हाँ हाँ, तो गाइस हमें उठना था आपका 2 बजे उठना था और 3 बजे निकलना था, और हम लोग की जो आँख खुली वो खुटी है 2:45 पे, और 2:45 पे उठे हम लोग और जल्दी जल्दी रेडी होके अभी 3:10 पे निकल रहे हैं। तो 10 मिनट ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं गाइस। सो गाइस, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, और रोहतांग पास का डिस्टेंस जो दिखा रहा है दैट इज 27 किलोमीटर्स। बट जैसा कि आपको बता दें कि उससे पहले एक बॉर्डर पड़ता है जहाँ पे हमें अपना पास चेक कराना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग अभी 3:15 बजे निकल रहे हैं, और हमारे को आइडिया है कि हम आधे 1.25 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे अपना पास चेक करा के 6 बजे रोहतांग पास के लिए मूव कर जाएंगे गाइस। तो लेट हो गए, 10 मिनट लेट हैं, 10:03:12 हो गए, जहाँ पे हमें निकलना था एग्जैक्टली आपका 3 बजे। हम 12 मिनट लेट हैं गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम था इसलिए थोड़ा लेट हो गए गाइस। सो गाइस, लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं। देखिए हमारे सामने भी जो गाड़ी जा रही है सब रोहतांग पास के लिए ही जा रही है, और मैंने अपने सामने सामने कम से कम भी 5-7 गाड़ियां देख ली जो रोहतांग पास के लिए मॉर्निंग में निकल चुकी हैं। तो लोग क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं जैसे कि रोहतांग पास के लिए जल्दी से जाके बॉर्डर पर लग जाए, और आपका तुरंत जैसे ही सुबह 6 बजे बॉर्डर ओपन होता है तो बॉर्डर से तुरंत निकल के सीधा रोहतांग पास चले जाए, जिससे कि उनको ट्रैफिक का सामना कम करना पड़े। जैसे ही जितना आप लेट होगे उतना ट्रैफिक आपको अभी मिलता चला जाएगा। तुम बस थोड़ा धीरे चलाना। सो गाइस, ये है आपका रोहतांग पास जाने का रास्ता, और देखिए लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं। ये रास्ता ले भी जाता है ना श्रेष्ठ, सामान वगैरह देने के लिए, सामान वगैरह लेके जाते हैं। So guys, रास्ते बहुत ही खतरनाक है गाइज यहाँ के ना, मतलब गुलाबा अभी दिखा रहा है 8 किलोमीटर, और रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। सब जगह पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है गाइज। अब आप कहते हो कि जाम क्यों लगता है, जाम ट्रैफिक इसी वजह से लगता है ना, जब रास्ते ठीक नहीं होंगे तो ट्रैफिक जाम तो लगेगा ही। देखिए गाइज, नीचे के रास्ते देखिए, नीचे मतलब लिटरली बहुत खतरनाक है। एक ब्रिज आया, कोई ब्रिज आया है, गाड़ियां पीछे हैं हमारे साथ साथ थोड़ी बहुत है ना, शायद ये लोग भी गुलाबा ही जा रहे होंगे। हाँ, जा ही जाऊंगा। तो गाइस हम लोग गुलाबा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, और देखिए यहाँ से लाइन लग चुकी है अभी। थोड़ी सी पीछे ले लो सर, बस बस। सो गाइस देखिए, गुलाबा बॉर्डर हम लोग पहुंच चुके हैं 5 बजे, और देखिए ट्रैफिक दिखाता हूं अभी से। सुबह सुबह ही काफ़ी जनता आ चुकी है, अर्ली मॉर्निंग। नहीं भाई, सुबह सुबह आ गए, इसका मतलब कितनी अर्ली निकला हुआ मॉर्निंग में। यही गुलाबा बॉर्डर है, यहां से रोहतांग पास की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बट जो मेन रहता है पॉइंट वो यही रहता है, जो जहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जैम लगता है, ट्रैफिक जैम, वो यहीं पे लगता है गुलाबा बॉर्डर पे गाइस। इसलिए लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल आते हैं गुलाबा बॉर्डर से के लिए। हम लोग भी 3 बजे की जगह 3:10 पे निकले थे, 10 मिनट लेट थे, बट हम लोग ऑलमोस्ट टाइम से पहुँच चुके हैं। बट है 25-30 गाड़ियाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ 30-35 गाड़ी हमसे आ गए हैं, बट ऑलमोस्ट हम लोग उस जैम से बच जाएंगे अब। सो गाइस, गाड़ियाँ मूव करनी स्टार्ट हो गई हैं। हमसे एक गलती हो गई थी, हम पास अपना होटल ही भूलने के आ गए थे, तो हमने अब दोबारा से प्रिंट निकाला है पास का। पास नहीं मिलता तो हमें वापस जाना पड़ता, और ये रोड भी वन वे है। नहीं, वन वे तो है, जाने नहीं देते यहाँ से वापस, कि गाड़ियाँ आ रही है ना वहाँ से।
से छोड़ दिया था आपका, कौन सा बॉर्डर था वो? गुलाबा बॉर्डर से हम लोग को 5:30 बजे क्रॉस करा दिया। काफी गाड़ियां निकल रही थी और हम लोग टाइम से घर से निकले, तो अगर आप लोग भी रोहतांग पास जा रहे हैं तो प्लीज 2-3 बजे तक होटल से निकल जाना, वरना तो आपको बहुत जाम मिलने वाला है। और जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतनी जल्दी आप वहाँ का लुफ्त उठा पाएंगे गाइस। और साथ में परमिट भी लेके जाइए। परमिट तो लेके जाना जरूरी है ऑब्वियसली, नहीं लेके जाए भूल जाए तो वैसे बड़ी बात नहीं है, आप ऑनलाइन भी रख सकते हैं अपने पास। सीरियसली यार गाइस, सीधा रोड, इतना मजा आएगा आपको चलाने में, लेकिन प्लीज सेफली चलाना। और ये जो पीछे जो लोग है ना, इधर से निकल, जा निकल इधर से निकल, आदर जो जा इधर से साइड पे खड़ी करोगे तब निकलेगा वो। बाय बाय बाय, बंदे अलग बस हो गए, चैन मिल गया तुम्हें, सुकून। शेष देख नीचे से कितनी गाड़ी आ रही है अब। सीरियसली यार ये नजारे हमें कहीं नहीं मिल पा। गाइस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उतरे थे और भाई सब तोते निकल गए, सबके सब देखिए जैम पैक हो चुके हैं, इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे ना, बहुत तेज, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है गाइस, बहुत ठंड है सीरियसली। ये क्या रोहतांग? ऊपर देख भाई, ऊपर देखो रोहतांग है, बर्फ की चादर बेटा, वो ना वही है ग्लेशियर ही है, बट सफेद बर्फ है ऊपर भाई, सफेद बर्फ, ओए होए मजे ही मजे, फुल मजे। देखिए ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर के बीच में से पानी निकल रहा है, और रोड देखो, रोड देखो गाइस, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं यार, बहुत मोटे हैं, मोटे ग्लेशियर्स ना ये। Awesome view, awesome. देखिए ये सब ग्लेशियर्स हैं गाइस, बर्फ का पानी ठंडा, चिल्ड, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा। वो कितना मोटा ग्लेशियर है, इसको पिघलने में भी कितना टाइम लग रहा है, इसको पिघला ही नहीं होता, इतनी तब भी नहीं पिघला। ओह गाइस, यही देखा था हमने, यही देखा था, यही देखा था गाइस। So guys, रोहतांग जो अब रह गया है यहाँ से केवल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रह चुका है, और आप देख सकते हैं रोहतांग के नजारे, मस्त स्नोफॉल है, मस्त हवा चल रही है गाइस, और ड्राइविंग तो मैं कहता हूँ वाह माशाल्लाह, अगर आपका स्ट्रांग ड्राइविंग स्किल्स है तो तभी आप लोग मनाली अपनी कार से आइएगा, मनाली तो आइएगा अपनी कार से, बट रोहतांग पास अपनी कार से आइएगा, अदरवाइज आप वॉल्वो कुछ कर लीजिएगा, जो टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं वो कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन मजा आ रहा है गाइस, ओए नजारे। गाइस ये देखिए ग्लेशियर के बीच से गाड़ियां चलती हुई, ये देखिए गाइस सुबह हो गए, सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतांग पास, और ये देखिए गाइस बर्फ ही बर्फ, रोहतांग पास के नजारे, ये सब रोहतांग पास पहुंच चुके हैं गाइस। कपड़े वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे, गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए 13,000 स्क्वायर फीट रोहतांग पास पे, साढ़े 13,000 स्क्वायर फीट। देखिए वी आर एट 13,058। नहीं, बहुत मजा आ रहा है, स्नो है यहाँ पे वैली के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही मजेदार मौसम, बहुत अच्छा हो रखा है, ठंड थोड़ी बहुत है
लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं है, बट अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्नो ही स्नो दिख रही है। और आप लोग को हम ले आया अपने साथ रोहतांग पास। ये जगह ना सर, ये पीछे वाली जगह जो है मंदिर, मंदिर मंदिर जैसा रेस्ट करता देवता मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, जो ये लाहौल स्पीति का देवता गिफन राजा, तो 12 साल 12 साल बाद ये मलाना जाता है। अच्छा, मलाने के बाद जब वापिस आता है तो यहाँ पे स्थान है, रेस्ट कर लेता अच्छा, है अच्छा, अच्छा। उसके बाद आगे चला जाता है। ओ अच्छा अच्छा, वो मैंने सुना है वो घूमते रहते हैं, जो मलाना नहीं है सर, फेमस गांव वहाँ जाता है काफी अच्छा। आगे तो आते 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 बीच में भी रेस्ट करता है, फिर लास्ट में यहाँ यहाँ पे रेस्ट करते हैं, ये मान्यता है ऐसी। हाँ जी, और फ्लैग केरल लगे हुए हैं, और ये पासिस भी पड़ते हैं फिसलोगे, गिरोगे, ध्यान से ध्यान चलो। अरे ग्लव्स ही उतर गया आपका तो। तो गाइस ये देखिए अभी ट्यूब स्लाइड हो रही है और इसका चार्जेस 500 रुपीज़ है, तो हम लोग भी करते हैं अभी। ओ गाइस वी आर गोइंग ऑन द ट्यूब राइड। गाइज मनाली में आते ही और रोहतांग आए और अपने को सीधा स्नो मिली है। गाइज यहाँ पे स्नो पड़ रही है, अभी स्टार्ट हुई है, बस अभी स्नो केवल स्टार्ट हुई है। गाइज दीदी मेरा जूता कहाँ है? अच्छा अच्छा, जून में स्नोफॉल दीदी कितना, दीदी कितना तेज होगी स्नोफॉल? सुबह स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इतना दिख नहीं रहा होगा, देखो देखो मेरे कपड़ों पे, देखो ये देखो बालों पे, देखो सारा स्नो, भाई स्नोफॉल हो रही है, वो भी जून के महीने में। चलो थोड़ी रील बनाते हैं, अब आप देख सकते हैं पूरा वेदर। तो गाइस आप देख सकते हैं धीरे धीरे स्नोफॉल तेज हो रही है। आप, मैं आपको स्नोफॉल तो नहीं दिखा सकता, बट मम्मी के बाल जरूर दिखा सकता हूँ। ये मम्मी के बाल देखो, देखो मासी को देखो, यशु को देखो, मेरे बाल देखो, और लिटरली अगर आपको थोड़ा कैमरा जस्टिस करे तो मजा आ जाए। देखो गाइस कैमरा, सेल्फी ले लो, देखो अंधेरा करता हूँ फोकस में। ये गाइस गाड़ी पे दिखाऊं, गाड़ी पे दिख रही है? नहीं यार, स्नोफॉल इन मनाली। यशु के बाल तो देखो गाइस, हमें ठंड लग रही है, देखो मेरे बाल भी मजा आ रहे हैं, ऊट तेज हो गई रे। So guys, snowfall आप enjoy कर रहे हो ना? Yes, तो रोहतांग पास जरूर आना guys, आपको स्नो मिलेगी। ये देखो कैमरे पे स्नो आती हुई, जस्टिस भी नहीं होता होगा कैमरे में। ओ गाइस बहुत मजा आ रहा है, स्नो पड़ रही है, ये देखिए स्नो। ओ सो गाइस अभी हम निकले हुए हैं बाहर सेंट्रल से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा व्यू, देखो क्या नजारा है, स्नो स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, नजारा तो देखो जरा। हाँ गाइस भाई रोहतांग पास इज द बेस्ट, और ये साइड में ग्लेशियर, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, अगर देखो पीछे देखो, अगर आपने ये नहीं देखा तो और क्या देखा भाई, वही तो। सो गाइस रोहतांग पास से हम लोगों ने ले लिया है एग्जिट, और ये देखिए आवाज सुन रहे होंगे आप लोग। अब हम जा रहे हैं
अपना होटल जाएंगे, क्योंकि सुबह जब क्या सुबह क्या बोलूं, रात के 3 बजे से निकले हुए गाइस, 2:30 उठे थे और 3 बजे निकल गए और यहाँ पहुँच गए हम लोग सुबह 7:30 बजे और अब टाइम हो रहा है कि अब हमें निकलना चाहिए अपने होटल के लिए और जाके 2-3 घंटे सोएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे शाम का मॉल रोड, क्योंकि मॉल रोड नहीं देखा आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ, तो मॉल रोड भी दिखाएंगे। ये हमारा है व्लॉग नंबर 3 जो कि है रोहतांग में, और आपको फिर से बता दूँ आज बर्फ़ पड़ी है, तो बहुत ही अच्छा व्लॉग है गाइस, ज़रूर देखना। और प्लीज़ अगर इस व्लॉग को पसंद आए आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, सोचो कितने 12,000 फीट ऊपर हम लोग आ गए केवल आपके लिए गाइस, कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिखा सकें। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है। सो गाइस देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं अटल टनल, वो सामने जो टनल दिख रहा है दैट इज अटल टनल गाइस। यो बच्चों को तो उठा देते दिखाने के लिए। श्रेष्ठ 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 अटल टनल आ गया बेटा, अटल टनल। अरे तो यशु गुरेंद्र तू देख ले अटल टनल। वाओ गाइस बारिश होने लगी है श्रेष्ठ, देखो शायद चिचला पानी, ज्यादा चिचला नहीं है वो। यहाँ खड़े नहीं होने देते, पर यहाँ खड़े नहीं होने देंगे, चलान काटते हैं। कितना अच्छा मौत है, देखना व्यू तेज होगी, बारिश देख रहे हैं तेज होगी इतनी। सबसे लंबी टनल कितनी लंबी जो ना, सबसे लंबी टनल 10 किलोमीटर। अरे बाप रे, अंदर ही अंदर रहेंगे हम, बारिश बुरिश कुछ नहीं देख पाएंगे। साइड में लगा के बना दूं क्या? क्या ही बनाओगे अब तो, अब तो पुलिस भी खड़ी है वहाँ लाहौल स्पीति। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अटल टनल के अंदर गाइस, और यहाँ स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर।